दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप भी बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज सैटरडे, तो आज अनुराग की जल्दी छुट्टी हो गई, तो वो स्कूल से आ गया जल्दी, क्योंकि वो उसके स्कूल में थोड़ा सा काम चल रहा है। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर लोग आए, तो आज मैंने दोपहर के बाद आप लोगों से बात ही नहीं करी है, तो रात का समय हो चुका है, तो मैंने खाना बना लिया है। तो मैंने बनाई मटर पनीर की सब्जी और रोटी, और हमने छोटे सिलेंडर में गैस भरवा ली है क्योंकि हमारा सिलेंडर तो नहीं आया है। नहा लिया हूं। भैया भी नहाया है, तो मटर पनीर की सब्जी बना रही, और आटा भी पिसवा लिया हमने, तो आटा भी पलट दिया उसके अंदर, तो आपको दिखा देती चला के भी। आज मैंने थोड़ी सी तरी रखी है कि अनमोल के पापा रोज चूर के रोटी खाते हैं, और अनमोल भी, तो इसलिए थोड़े से मैंने तरी टाइप में रखी ताकि आराम से खा ले चूर के रोटी। तो अनमोल के पापा और अनमोल गए हैं अभी थोड़ा सा सामान लेने के लिए, तो उन्होंने केक ला के रख दिया है। तो आशा दीदी का है बर्थडे, 12 बजे के बाद बर्थडे चालू हो जाएगा, तो फ्रिज में लगा दिया है केक, ये देखिए। तो हम लोग जाएंगे 12 बजे से पहले जाएंगे, तो दीदी का केक कट करवाएंगे हम, तो 12 बजे के बाद छोटा सा सेलिब्रेशन करेंगे। तो अभी अनमोल के पापा आए नहीं, पता नहीं क्या लेने चले गए, पता ही नहीं मुझे। तो चलिए गाइस, तो मिलते हैं। 11 बजे फूल ढूंढते बहुत दूर आ चुके थे, और अब जाके हमें फूल मिल चुके हैं बहुत मुश्किलों से, सिर्फ जो मिला हमने वो ले लिया, इतनी रात को जो मिल रहा है वही सही है। अब हम जा रहे हैं अपने वो घर की तरफ, देखते हैं यहाँ से कितना टाइम लगता है। ये दो फूल बहुत मुश्किल से मिले जो थे उनके पास, देखो रात को 11:05:10 हो रहे हैं, और इतनी भीड़ हो रही है रातों को रोड पे भी। A few moments later. तो गाइस, तो देखिए 12:03 है, और हम लोग यहाँ आ चुके हैं आशा दीदी के पास में। तो अनमोल पापा पी रहे हैं चाय, लाली ने चाय बना दी है। तो दीदी की तबीयत ठीक नहीं है, दीदी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो दीदी को सभी लोग हैप्पी बर्थडे विश करना है। दीदी हाय करो, हेलो करो। तो आज दीदी का बर्थडे 3 मिनट के बाद में शुरू हो जाएगा, तो दीदी का बर्थडे 7 जुलाई को आता है, तो हम छोटा सा सेलिब्रेशन करने के लिए आए हैं। अब केक कट करेंगे दीदी का, और अनमोल के पापा एक चीज और लाए अपनी भाभी के लिए, फूल। तो अभी फूल भी लेकर आए, तो बहुत ढूंढ के लाए हैं वो फूल भाभी के लिए, तो अभी आपको हम दिखाएंगे, सेलिब्रेशन करेंगे हम, तो आपको जब भी। ये देखो यहाँ पे और भी सामान है जो कि हमें रात को बहुत ही ज्यादा मुश्किलों से मिला है। ये देखो ये केक है, रात के टाइम पे हमें ऐसा केक खाएगा ना। चलो खोल के तो देखो, इतनी मेहनत से लाए बहुत दूर से। वाइट गुलाल, गुलाब नहीं है, लीली ये वही है लीली। ऐसे फूल तो सूरजमल के पार्क में खूब सारे लगे हैं, वही चले जाते हैं रात को, कहाँ ढूंढते हैं, और ऐसा कौन देते हैं सजा छोड़ते हैं बहन। ये फूल ये सब बड़ी जमीन, एक गोलगप्पे भी रख दे यहाँ, पैर तो हटाओ ना, खट्टा मीठा साथ साथ इसके ऊपर क्या देना है। हाँ दीदी के लिए लाए खट्टा मीठा, जो मिल गया रात के टाइम क्योंकि लेट ज्यादा हो गए थे। एक कैरेमल वो है दीदी का बर्थडे चालू हो चुका है, तो 12:05 हो गए थे। दीदी हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। मम्मी ये तो हो जाए, एक मिनट शॉर्ट बनाने दी देरी। हाँ चल, यहाँ चल के वो
ब्लॉग में मिले। चलो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे आशा बड़े मम्मी कुक टुमारो, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर आशा दीदी, आशा बड़े मम्मी आज हमारी 16 साल की हो गई। आशा दीदी आज हमारी 16 साल की हो गई है। सच बताओ कितने की हुई है? 16 साल की दीदी ताली तो क्या खिला? 16 साल की होगी दीदी ऑनलाइन हमारी दीदी जल्दी से ठीक हो जाए बस। दीदी कितनी अच्छे से रहती है। अच्छा मिल्क केक अच्छा नहीं ना केक आपको? केक खा लिए बहुत है। अच्छा लगा दीदी का बर्थडे बना के मैं तो बहुत ही अच्छा लगा। दीदी कैसा लगा? बहुत खुशी मिली। पूरा मत ले, थोड़ा ले, थोड़ा ही ले लो, मैं ज्यादा मिठाई भी नहीं खाता ना। बड़े खाओ अब गोलगप्पे तो खा लो। गोलगप्पे आप खाओ अभी छोटा सा सेलिब्रेशन है। दीदी को पता नहीं था कि हम लोग आएंगे और लाली भी कह रही थी कि पता नहीं बुआ जी को याद है या नहीं या पापा जी को याद है या नहीं, तो हमने दीदी को सरप्राइज दिया। दीदी को नहीं पता था कि हम लोग आ रहे हैं, ना ही लाली को पता था। लाली को भी पता था और दीदी को भी नहीं पता था कि हम आएंगे दीदी को सरप्राइज देने। दीदी सरप्राइज कैसा लगा? बहुत बढ़िया। अच्छा लगा? पानी जी तीन। और दीदी तुम बस ठीक रहो, हमारी दीदी बस ठीक हो जाए सब। हमारी दीदी को विशेष देना, अभी चाय पी उन्होंने, उनको मत दियो। क्या कह रही, मैंने गोलगप्पे खा लो भूल गई। नहीं दीदी खाओ, हो गया। तो गाइस बस अब छोटा सा सेलिब्रेशन करके अब चलते हैं हम घर और केक हम अपना लेके जाएंगे। थोड़ा सा हम ज्यादा केक नहीं खाते तो चलिए गए चलते हैं ना। बस बहुत है दीदी, खा लिया हमने, चलो हम बांट देंगे। तो चलिए गए तो अब चलते हैं घर और टाइम हो चुका है 12:15 तो घर चलते हैं। केक ले लिया हमने तो गर्मी लग रही है बहन, कूलर चला दे गर्म। इसी के साथ छोटे से सेलिब्रेशन के करने के बाद चलते हैं खुद करते हैं ब्लॉग का एंड। तो आज का थोड़ा सा ये छोटा सा हमने जो सेलिब्रेशन करा दीदी की खुशी के लिए ताकि दीदी खुश हो। तो कैसा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को जरूर दबाएं और प्लीज़ कमेंट में दीदी को हैप्पी बर्थडे विश करना ना भूलिए। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ब्लॉग में एक नई टाइटल के साथ में। तब तक के लिए प्यार बांटिए, खुशियाँ बांटिए, अपने अपने घरों में सुरक्षित रहिए। तो गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड Tata, bye bye. See you. Bye. Bye bye. Happy birthday to you. Happy birthday to you.